किसी की टोपी गिर गया। How's the Josh sir? Hi. Yes, now I can hear it. दोस्तों गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार, दिस इज योर होस्ट निलोत्पल दास एंड आई वेलकम यू टू अ ब्यूटीफुल मॉर्निंग। एंड बहुत जबरदस्त आज का फील है, आप खुद ही देखिए, क्योंकि आज हम राइड कर रहे हैं, एक छोटा सा राइड। ये राइड हम कर रहे हैं फॉर पोलियो अवेयरनेस अलोंग विथ रोटरी क्लब। तो हमें कुछ अभी फिलहाल टी शर्ट्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है वहाँ पे, तो मुझे वो टी शर्ट्स लेने जाने हैं एंड मैं रिटर्न आपके आपको मिलाऊंगा। हमारे जो बाकी राइडर्स हैं जिन्होंने लद्दाख अभी अभी हाल ही में कंप्लीट किया है, उनसे आप उनसे मिले हो, वैसे भी मेरा फर्स्ट एपिसोड में लिंक ऊपर आ रहा है, लेकिन आज फिर से मिलाएंगे, एक सेलिब्रेशन ऑफ सक्सेस है। तो चलिए मैं टी शर्ट पहले कलेक्ट कर लेता हूँ। ये थे लद्दाख के हमारे टीम लीडर प्रकाश दा, जो बहुत ही स्मार्ट है। और कैसा लगा, कैसा रहा राइड? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इट वाज रियली, अभी लग रहा है जैसे और एक बार जाके आऊं। थोड़ा कमती हो गया। देवजीत दा, जिनसे आप पहले ही मिले हैं एपिसोड 1 में, आज फिर से रेडी है। एंड ये पाठक दा क्या छुपाने की कोशिश कर, कुछ नहीं। तो आज हम क्यों यहाँ पे इकट्ठा है? एक्चुअली एक पोलियो ड्राइव है फ्रॉम द रोटरी क्लब, तो दे हैव इनवाइटेड अस टू राइड फॉर दिस पोलियो इरेडिकेशन दिस थिंग। अच्छा, सो उसके लिए हम लोग अभी राइड करेंगे यहाँ से खानापुरा तक, देन वी विल बी कमिंग बैक अगेन। अच्छा अच्छा, मतलब पोलियो का टैगलाइन क्या है? दो बूंद जिंदगी की, दो बूंद जिंदगी की। और पाथोकडा का टैगलाइन है दो घूंट हर शाम की। अरे वाह, अरे वाह। So here is another champ, ये परवेश दा है, इन्होंने भी कंप्लीट किया है लद्दाख का राइड। कैसा रहा? Very good, it was amazing. तो आज हम इस पोलियो राइड के वजह से फिर से एक बार मिल रहे हैं, तो बहुत ही नॉस्टैल्जिक फील है ना? Right, very good. तो फाइनली ये प्ले कार्ड मुझे मिला है, वर्ल्ड पोलियो डे एंड पोलियो नाउ। तो मैं कुछ ऐसे छोटा सा फैक्ट्स आपको देता हूँ। पोलियो का इरेडिकेशन जो है उसमें इंडिया माहिर था, मतलब माहिर हो गया है। एंड पूरा दुनिया जब ये बिलीव कर रहे थे कि इंडिया के लिए पोलियो इरेडिकेट करना बहुत डिफ़िकल्ट होगा, इन द ईयर 2012 के कुछ जनवरी के कुछ एग्जैक्ट डेट मुझे पता नहीं है, उसमें इंडिया ने एक साल के लिए कोई पोलियो का केस नहीं था। एंड देयर बाय देयर आफ्टर इंडिया में पोलियो का अभी फ़िलहाल कोई केस नहीं है। इसमें और एक चीज़ है कि देर आर सेवरल अदर ऑर्गेनाइजेशंस लाइक यूनिसेफ, WHO और रोटरी क्लब, इन लोगों ने गवर्नमेंट के साथ मिलके एक जॉइंट स्टेक होल्डर, उन वो लोग भी थे गवर्नमेंट के साथ मिलके ये पूरा डिजीज़ को इरेडिकेट किया है इंडिया से। सो अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर अस। कोरोना वायरस आज आए हैं, लेकिन पोलियो इससे पहले भी था। वंस अपॉन अ टाइम पोलियो वाज आल्सो कंसीडर्ड अ पेंडेमिक। नो, एक समय था 1916 जस्ट बिफोर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, व्हेन देयर वाज अ पेंडेमिक, पोलियो पेंडेमिक इन न्यूयॉर्क सिटी में देयर वर 26,000 to 27,000 चिल्ड्रन वर अफेक्टेड बाय पोलियो, आउट ऑफ विच 6,000 चिल्ड्रन डाइड, 6,000 बच्चे मर गए उसमें। इंटरेस्टिंग इंसाइट कि पोलियो वाज आल्सो अ पेंडेमिक है ना, जस्ट लाइक कोरोना वायरस। बट लेकिन कोरोना वायरस का जैसा ढिंडोरा पीटा जा रहा है, पोलियो का कोई ढिंडोरा नहीं। पोलियो एक्चुअली, हाँ, ढिंडोरा नहीं पीटा जा रहा है। एक्चुअली क्या है, पोलियो अभी ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। ये एक्चुअली रोटरी, जैसे अभी बोल रहा था ना, रोटरी इनिशिएटिव इसका पूरा लिया था, तो पूरा वर्ल्ड मतलब कोई पॉलिटिशियंस को क्रेडिट नहीं 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 नहीं
डीजल को महंगा करवा के कोरोना वायरस का पूरा वैक्सीनेशन हो रहा है और उसके लिए क्रेडिट लेते हैं पॉलिटिशियंस। लेकिन सोचिए पोलियो का कितना पहले से हो रहा है इसका वैक्सीनेशन, वो भी फ्री पूरे दुनिया में, लेकिन इसके लिए कोई क्रेडिट नहीं लेता है क्योंकि काफ़ी मल्टी स्टेक होल्डर्स है एंड क्रेडिट कोई एक जना नहीं ले सकता है और किसी का फोटो नहीं छप सकते हैं ना सर्टिफिकेट में, तब जाके इसका इतना ढिंडोरा पिटा नहीं जाता है। तो हो गई है पिक्चर शुरू, हम एक छोटा सा टर्न लेके आने वाले हैं एंड ज़्यादा नहीं, कुछ 10-15 किलोमीटर का ही राइड है, धीरे धीरे चलाएंगे और फिर वापस इसी डेस्टिनेशन पे आना है। द बेस्ट फील, ऐसे जब ग्रुप्स में जाते हैं तो एक अलग ही जो फील होता है ना, एक अलग ही ऑरा, एक अलग ही एनर्जी कैरी करते हैं पूरा ग्रुप, एक जो कॉज है उस कॉज को प्रमोट करने के लिए, उस कॉज के लिए सबका ध्यान आकर्षित करने के लिए, और ये चीज़ सबसे अच्छा लगता है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली पोलियो के बारे में काफ़ी सारी जानकारी लेना कि इंडिया हैज़ बीन गोइंग पोलियो फ्री फॉर द पास्ट 8 ईयर्स और इस साल सरकार का 1400 करोड़ का बजट है पोलियो इम्यूनाइजेशन के लिए और उसमें से 700 करोड़ रोटरी क्लब ने दिया है। सो बिग थम्स अप टू रोटरी क्लब। सो ये अब हम पहुंच गए हैं ताज विवांता, जहाँ पे साइक्लिस्ट पहले से ही पहुंचे हुए हैं एंड यहाँ से हम लोग करने वाले हैं टर्न। तो ये है हमारे राइडर्स, किसी की टोपी गिर गया, इसको मैं ले लेता हूँ। এইটো আপোনাৰ আছিলে নেকি? ৱেলকাম ৱেলকাম। তো দোস্ত আপ হম আ গয়ে হে রিটার্ন এন্ড সারে বাইক সব দেখ রহে পুরা লাইনড আপ হে এন্ড আপ ইয়ে সোচ রহে হোঙ্গে কি লাদাখ সিরিজ চল রহা থা এন্ড বিচ মে সডেনলি ইয়ে ওয়ালা ব্লগ কিউ হে, वो इसलिए क्योंकि जो टॉपिक जो कॉज के लिए हम लोग राइड कर रहे हैं दैट कॉज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और मेरे इस व्लॉग के कारण अगर एक आदमी वन सिंगल पर्सन को भी कुछ बेनिफिट होता है तो मैं समझूंगा मैं पूरा सक्सेस हूँ। और एक छोटा सा एफर्ट मैंने भी अपने तरफ से डाला है, रोटरी क्लब ने अपने तरफ से डाला है और ये व्लॉग इसलिए मैंने भी बनाया है। दूसरी बात, मैं ये चाहता था कि अपने जो राइडर ग्रुप है उसके साथ कनेक्ट करना चाहता था तो इसलिए भी ये व्लॉग बनाया है। तो अभी हम लोग करेंगे एक छोटा सा कुछ नाश्ता पानी। हो गया एक छोटा सा फोटो सेशन है ना मतलब एंड एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉज के लिए हम लोग आए आज और अभी पाठक दा लोग जा रहे हैं और एक राइड के लिए एंड मैं ज्वाइन नहीं कर पा रहा हूँ। और कहाँ जा रहे हैं हम लोग? डिकोरविल जा रहे हैं। यस, जब मिला ही है एक राइड हो ही सकता है और अगले वीकेंड हम लोग फिर से मिलेंगे, एक अच्छा राइड होने वाला है। तब तक आप बने रहिए और अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपको पता है पूरा लद्दाख सीरीज चल रहा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग कंटेंट बन रहा है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। बहुत ही छोटा व्लॉग था लेकिन इम्पोर्टेंट कॉज था बोल के मैंने ये बनाया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।